उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। ये पूरा मामला जनपद मुख्यालय में स्थित पंडित जेएन डिग्री कॉलेज के खेल मैदान का है, जिस पर जिला प्रशासन के द्वारा व्यावसायिक प्रदर्शनी को परमिशन दे दी गई, जबकि महाविद्यालय के प्राचार्य का कहना है कि ये प्रदर्शनी हमारी अनुमति के बिना लगाई गई है। छात्र नेता एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सनी पटेल के नेतृत्व में आज छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा है। छात्रों ने मांग की है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद खेल के मैदान को व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा है। महाविद्यालय में छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं। प्रदर्शनी की वजह से परीक्षाएं बाधित हो सकती हैं। पुलिस व सेवा में भर्ती के लिए छात्र व छात्राएं इसी मैदान पर अपनी तैयारी करते हैं। महाविद्यालय से भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं ली गई। तानाशाही के चलते खेल के मैदान पर प्रदर्शनी लगा दी गई है। क्या मामला था? हम पंडित जैन महाविद्यालय के छात्र हैं और आज हम ज्ञापन इसलिए देने आए थे कि हमारे महाविद्यालय को व्यापारियों द्वारा बेचा जा रहा है जिला प्रशासन की मिली भगत से। पंडित जैन में एक ही खेल का मैदान है जिसमें एनसीसी के छात्र तैयारी करते हैं, जो अग्निवीर योजना के सेना में जाते हैं वो भी तैयारी करते हैं। ऐसे में खेल मैदान में पता नहीं किसकी परमिशन से प्रदर्शनी लगा दी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय का सख्त आदेश है कि किसी भी महाविद्यालय में ऐसे व्यापारिक कार्यक्रमों को नहीं संचालित किया जाएगा, और इसके बावजूद भी महाविद्यालय में पंडित जैन में परीक्षाएं चल रही, इसके बावजूद भी खुलेआम वहाँ पे गुंडागर्दी के माध्यम से मेला प्रदर्शनी लगी है जिससे छात्रों का नुकसान हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि आखिर जिला प्रशासन जिस भी ने ये अनुमति दी है वो ये बताने कष्ट करें कि महाविद्यालय और शिक्षा में सबसे पहला अधिकार वहाँ के छात्रों का है या फिर किसी व्यापारी का है। किसको ज्ञापन भेजा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमने आवाज़ को पहुँचाई है, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी, हमने 7 दिन का समय दिया, इसके बावजूद अगर प्रदर्शनी वहाँ से नहीं हटेगी तो हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत हम प्रदर्शनी को हटाने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आमरण अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, लेकिन इस प्रदर्शनी को हटवाकर ही दम लेंगे। लगने से देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।